छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाउड स्पीकर मॉडल से पढ़ाई के प्रयोग के बाद शिक्षा मंत्री ने इस मॉडल को अनुमति दे दी है। सरकार ने सभी पंचायत को एक हफ्ते में लाउड स्पीकर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बस्तर जिले में 56 पंचायतों में पहले ही लाउड स्पीकर से पढ़ाई हो रही है, जो कोरोना काल में मॉडल बनेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी है। ऑनलाइन अध्ययन सुविधा के साथ साथ ऑनलाइन के लिए भी विभिन्न मॉडल सोचकर उनका क्रियान्वयन हमारे शिक्षक हैं वो किए कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के काम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता। लाउड स्पीकर को लाया गया है, लाउड स्पीकर को बच्चों से कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या है, क्या उसकी सुविधा रहेगी, लाउड स्पीकर कौन उपलब्ध कराएगा, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाउड स्पीकर को विकल्प बताया गया है, उससे पढ़ाई करने का आपने आदेश दिए हैं, किस तरह की तैयारी है और कैसे होगी इसमें पढ़ाई? देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण में क्योंकि स्कूल बंद हैं और पढ़ाई तुहर द्वार हम लोगों ने चालू किया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम लोग को दिखने की मिला है और कई जिलों में अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन सबको इसका सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ कोई सुविधा बिजली की नहीं है, तो ऐसे स्थानों में क्या उसका विकल्प हो सकता है? तो एक अच्छा विकल्प बस्तर में शुरुआत किया गया था भोपालपट्टनम में, कि वहाँ पर क्योंकि अभी लॉकडाउन में सभी डीजे अभी बंद है, काम नहीं है, जो लाउड स्पीकर हैं वो भी अभी कोई कोई काम नहीं है, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, तो ये अभी खाली है और इसका उपयोग हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो पंचायत के सहयोग से गाँव में लाउड स्पीकर से पढ़ाई करने के एक विचार उसमें आया और जहाँ पर लाउड स्पीकर से टीचर वहाँ पे जाएंगे और बोल बोल कर उन बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे अपने घर में रहेंगे या एक जगह दूर दूर बैठकर उसमें उन लोग अपने पाठ को दोहराएंगे या पढ़ाई को उसमें सुनेंगे। दूसरा जो जो टीचर रहेगा वो जाकर देखेगा कि वो जो जो कार्य दिया गया है, जो होमवर्क दिया गया है, जो उनको काम दिया गया है, वो काम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ भी सकता है। तो एक प्रयोग हम लोगों ने वैकल्पिक रूप से शुरुआत किया है, क्योंकि जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ पर आखिर क्या विकल्प हो सकता है? तो ये विकल्प के रूप में इसको ढूंढा गया है और भी बहुत से सुझाव उसमें जैसे आते हैं। विकल्प के रूप में पढ़ाई हम लोग बच्चों का पढ़ाई का नुकसान न हो, इस कारण से वहाँ पर शुरुआत इसकी हम लोग की है। और पूरे जी, ये एक अहम सवाल ये है कि अगर हम लाउड स्पीकर से पढ़ाई करते हैं तो सामने वाला जो शिक्षक है वो बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे, अगर उनको किसी चीज में डाउट है, वो सवाल करना चाहते हैं, तो बच्चे कैसे सवाल करेंगे? नहीं, वहाँ पे दो दो टीचर रहेंगे, एक टीचर तो पढ़ाएगा उसमें और दूसरा टीचर उसकी मॉनिटरिंग करेगा जा जाके कि वहाँ लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जो होमवर्क दिया गया है उसका लोग उसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये पूरा चीज उसमें देखेगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो गांव गवाई में रह रहे हैं, ज्यादातर वो नेटवर्किंग से दूरी है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जगहों के लिए विकल्प निकाला गया और लाउड स्पीकर से पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक टीचर पढ़ाएंगे और दूसरे टीचर जाकर ये देखेंगे कि ये पढ़ाई का असर कितना हो रहा है और वहाँ जो होमवर्क दिए जा रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, जो डाउट है बच्चों का वो वहाँ मौजूद शिक्षक ही उसको हल करेगा। तो इस तरह ये एक बार अभी तक प्रयोग के रूप में बस्तर में किया गया था और इसके सक्सेस होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्देश दिया गया है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज कुशवाहा, एक्सप्रेस रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल